बागपत के आगे सड़कें शुरू होती है, अच्छे से अच्छा आदमी चाह कर भी टाइम पे नहीं आ सकता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं आ पाया। चार चार लाइनें बस आप लोगों को सुनाता हूँ। हाँ। आप लोग जैसे जैसे मुझसे जुड़ते चले जाएंगे, यकीन मानिए जैसा डॉक्टर साहब ने आपसे कहा है, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दूंगा। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ शराबबंदी हो गई तो आजकल दिल्ली रहता हूँ। अच्छा है। मंच पर कई पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिस जेल का उद्घाटन किया, खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था, यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। विधायक जी, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहें। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। भाई साहब चुनाव में खड़े हो रहे हो क्या? ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। थिंक राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। आधार से रजाई तेरी। और साहब मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में आज से 2.25 साल पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति बदली है, आज से ठीक उत्तर प्रदेश में 2.25 साल पहले कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी तो माँ बाप 4-5 घंटे में पूछ लेते थे, बेटा कहाँ है, कब आएगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है, कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। ये जो रोमियो स्क्वाड के आने की वजह से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने। बहुत अच्छे। से न पटी भाई, बता दियो विधायक जी जाके दोबारा कमाल है, एक न पटरी तुम दोबारा सुनना पक्का बड़ौत कही हो। अब दोबारा इससे अच्छा है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कमाल के व्यक्ति हैं सब,
आप लोगों को पता ही होगा पिछले दिनों ये अच्छा कमाल है डॉक्टर साहब का, जहां पर भी जाते हैं अपनी जुबान को अपनी बात को जितने दम्भ के साथ और जितनी वीरता और पुरुषार्थ के साथ कहते हैं, लेकिन इनके साथ जो होता है बहुत अच्छे। कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए, कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए, सच्चे यहाँ झूठों में पानी पानी हो गए, भरपूर जवानी में बुढ़ापे का सुख मिला, अपने कुमार भैया तो अडवानी हो गए, बंसी वाले की जिंदाबाद, क्या बात है भाई वाह। अपने कुमार भाई भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत की लकीरों में मुझे ऐसे जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बना। लेकिन बुढ़ापे अनुप जलोट। अच्छा सामने पुलिस खड़ी है, मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम। देखिए मैं बड़ौत पहली बार आया हूँ, लेकिन आप लोग जितने प्यार से सुन रहे हैं मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूँ। मुझे बातें बहुत कम आती है, सिर्फ कविताओं में अपनी बात करता हूँ। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, देखिए मेरे में वीडियो बनाने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने तो पैदा होते ही पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूँगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करियो, शक्ल दिखा के तो होनी नहीं। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम। कहा संजय भैया, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम, योगी के राज में भले कुछ कम हो या न हो, पर देख लेना तुम पुलिस का पेट होगा कम, पर देख ले। पहले आजम खान की भैंसे ढूंढती रहती थी, अब योगी जी की गाय पकड़ रही है। अच्छा मुझे चार लाइनें ऐसी याद आ गई, हाँ मैंने सोचा नहीं था यहाँ सुनाऊंगा लेकिन याद आ गई। वाह। कुछ चोर आए कितनों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कितनों की चोटी चुरा गए, बाबा थे ऐसे कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया। अच्छा मैं देखिए बिहार का रहने वाला हूँ, पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई तो लोगों ने कहा कि अमित शाह ने तोड़वा दिया, लोगों ने कहा मोदी जी ने तोड़वा दिया, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया, लेकिन प्रबुद्ध लोगों आप लोगों को लगे कि एक कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली है कि बिहार में सरकार टूटी क्यों, तो आप लोगों ने जो अब तक तालियां नहीं बजाई, बिल्कुल अपने हास्य का मैं चरमोत्कर्ष पढ़ता हूँ, आप लोगों तक पहुँचता हूँ, बिहार में सरकार क्यों टूटी। हाँ बेटा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के
और शराबबंदी करवा लो। दारू के बिना दोस्ती टिकती न। अच्छा पिछले दिनों परम पूज्य संत आसाराम बापू से मिलने के लिए सलमान खान एक दिन के लिए जेल में गए। उन दोनों के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुआ, मैंने हास्य में चार लाइनें कही, आप लोग आनंद लिए। हाँ स्वागत है। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई तुझ। अच्छा आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप बहुत इंच बढ़ ही जाता है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा मोदी जी पिछले दिनों चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी गणित का अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य विज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, अच्छा बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना जोरदार तालियां बजाओ, मौज दे रहा छुरा। हां बेटे क्या बात है, वाह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ठीक है चौधरी, बछड़ा ठीक लाया। मगा खुद दिखायो तो अभी आया है। हाँ भाई बाछड़े की बात नहीं भाई साहब, मैं तो ससुराल गया, सास बोली 15-20 दिन के लिए रुक जा। मैंने कहा इतनी खातिरदारी क्यों, बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का काटरा मर गया, तुझे देख के दूध दे देगी। बाछड़े की नहीं काटरे की बात। चीनी को जमा करके फिर। अच्छा देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। अच्छा मुझे यहाँ आकर पता चला कि बड़ौत में भी कई बिहारी आ गए हैं।
जैन साहब, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। वैसे आपको बता दूं, जैन समाज का मंच है, जैन समाज के लोग हैं, जैन साहब बैठे हुए हैं। जैन समाज में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 22 बिहारी हुए हैं, 22 बिहारी तीर्थंकर हुए हैं। तो मैं साहब चार लाइनें सुनाता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत अद्भुत मंच है और पीछे महावीर स्वामी का बहुत शानदार तस्वीर लगी है। मैं प्रणाम करता हूँ, चार लाइनें यहीं से सुनाता हूँ। मन के विकार दूर करो, पुण्य मिलेगा। क्या बात है। दीपक की तरह तुम भी जलो, पुण्य मिलेगा। वाह शंभु वाह। कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नमोकार मंत्र जाप करो, पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छा। नमोकार मंत्र जाप करो, पुण्य मिलेगा। वो गन्ना आगे बना दे। दुनिया में कहीं इससे बड़ा यंत्र नहीं है, और इससे अलग कहीं कोई तंत्र नहीं है। हो वेद की ऋचाएं या आयत कुरान की, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। बहुत अच्छे। नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं तो साहब भूला थोड़ी था, बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं। चीनी को जमा कर, यहाँ पता चला साहब बहुत बिहारी हो गए। सर इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो केले वाले के पास गया, मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है, बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले। तो भाई ने तो केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा, बोले निकल यहां से। अगला दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो, बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगला दिन मैं बुरका और के चला गया। अच्छा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो, मतलब भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बताओ तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ। तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए, तो जहां तक दूर तक लोग बैठे हुए हैं आप सबकी एक साथ तालियां चाहता हूं। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बताओ तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ। बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं, ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल भी अद्भुत आदमी है साहब, 1 साल पहले बयान दिया था। अब इधर मत देखो, इधर कुछ ना। इन्होंने तो वैसे भी केजरीवाल के खिलाफ लाल सलाम पहन रखा है। लेकिन साहब मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूं कि मेरी लेखन पीढ़ी के पूर्वज जो मुझसे बड़े हैं, जब सच बोलने की बात आती है तो वो किसी भी राज दरबार के किसी भी सिंहासन को टुकड़ा देते हैं और सच अपनी बात कहते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास उन लोगों में से हैं जो कुछ भी बात हो जाए लेकिन अपनी जुबान और अपने सिर को कभी नीचा नहीं हटने देते, वो अपनी सच की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कोई चापलूसी नहीं थी, ये सच था। इसलिए कम लोगों ने तालियां बजाई, सच के समर्थक कम होते हैं।
आपको सुनाता हूं साहब, आप लोगों को याद होगा मोदी जी ने पिछले 8 नवंबर को क्या कमाल किया था। नोटबंदी कमाल की बात थी साहब, नोटबंदी भी कमाल की चीज थी। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सर इतना सुनना ही था कि पति नाम का आदमी बड़ा खुश। पतियों को आज भी लगता है कि मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। भाइयों और बहनों, मित्रों करके मोदी जी ने जो देश का भाइयों बहनों किया, भाइयों और बहनों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। लेकिन सर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं, 1000 रुपए का लेकर के 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा कराने जाओ, 80 साल की पकड़ा दे, चिड़िया मारने वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन साहब नोटबंदी को याद करिएगा और आपको लगे कि कविता में मैंने बिल्कुल वही कह दिया जो नोटबंदी के दौरान हुआ था, तो आप लोगों का उत्साह, क्या बात है, क्या बात है, मजे हैं, वाह। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे थे, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए, पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी। आभार, धन्यवाद, जिंदाबाद, वाह।